हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ये मास्टरपीस जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये किसी इंसान से नहीं बल्कि लिटरली 60,000 मधुमक्खियों ने मिलकर बनाया है? क्यों, चौंक गए ना? लेकिन एक मिनट, इसको बनाया कैसे? वेल, आगे बताता हूँ, बट उससे पहले ये सुनो। क्या आपने कभी सोचा है एक 16,600 करोड़ USD एसेट का मालिक द मार्समैन इलॉन मस्क एक मिनट में कितना पैसा कमा लेता होगा? क्या आपने कभी इससे पहले किसी को कूड़े कचरे से पवन चक्की बनाते हुए देखा है? और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि इसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक स्कूल जाता हुआ बच्चा था। वेल, ऐसे ही बहुत सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स मैं लेकर आ गया हूं आज के इस एपिसोड में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन। नंबर 1, मधुमक्खी द आर्टिस्ट। अब हम लोग गौर से देखिए इस तस्वीर को। आई नो, है ना कमाल, बट गेट रेडी फॉर सम स्टिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया 60,000 मधुमक्खियों ने मिलकर इसे बनाया। शहद की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, यह है नेफर्टिटी, इजिप्ट की एक पॉपुलर रानी जिसे एक नेदरलैंड के आर्टिस्ट थॉमस लिबर्टिनी ने अपने क्रिएटिव दिमाग का इस्तेमाल करके इस स्कल्पचर को सिर्फ आकार यानी कि शेप दिया है, पर पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उसे थोड़ा सा कुछ हटके बनाना था। नॉर्मली तो सभी मिट्टी से स्कल्पचर बनाते हैं, पर थॉमस के दिमाग में कुछ और ही शहद बह रहा था जिसमें उसे 60,000 मधुमक्खियों की कलाकारी की जरूरत पड़ी। लाइक थॉमस ने पहले नेफर्टिटी का एक 3D मॉडल बनाया, उसे ग्लास बॉक्स में डाल दिया और फिर उसमें 60,000 मधुमक्खियों को अपनी कलाकारी दिखाने के लिए ग्लास के अंदर बंद कर दिया। मधुमक्खियों ने अपनी टैलेंट दिखाते हुए उसी आकार में एक छत्ता बना डाला। बट ऑफ कोर्स ये कोई एक झटके का काम नहीं था, मधुमक्खियों को पूरे 2 साल लगे इस आकार का छत्ता बनाने के लिए। बट लुक एट इट, इतना परफेक्ट काम तो कभी कोई इंसान भी नहीं कर पाता जो इन मधुमक्खियों ने कर दिया। नंबर 2, इंसानी खंबा। अब फ्रेंड्स, तुम सभी ने खाली जगहों पर बड़े बड़े टावर्स तो देखे ही होंगे, पर क्या तुमने कभी इंसानी शरीर वाला टावर देखा है? अगर नहीं तो जरा इसे देख लो, इस इंसानी शेप वाले बड़े इलेक्ट्रिक टावर्स को, जो आपको पूरे के पूरे लैंसनेट आइसलैंड के चप्पे चप्पे पर लाइन में अलग अलग पोजीशंस में खड़े मिलेंगे। बट फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इंसानी शेप वाला टावर क्यों? तो बात ये है ना, इस इंसानी शेप वाले इलेक्ट्रिक टावर को बनाने की वजह ये है कि जिस तरह इंसान अपनी कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करता है, उसी तरह ये सारे इलेक्ट्रिक खंबे जो एक दूसरे से तारों से जुड़े हैं, वो टावर में नए चेंजेस आने पर इजीली स्ट्रेच हो सके एज पर नीड। You know, like इस तस्वीर को देख लो। अगर इलेक्ट्रिसिटी के तार पहाड़ों में से गुजर कर जाते हैं तो इंसानी खंबे पहाड़ पर चढ़ने का पोज धारण किए खड़े रहते हैं, और कई जगहों पर तो ये हाइट वाइज भी एक के पीछे एक खड़े रहते हैं। आई मीन, सो कूल ना? और आपको बता दूं, चाय प्लस शाइन आर्किटेक्ट्स का ये ह्यूमन शेप्ड आर्किटेक्ट टावर का कॉन्सेप्ट जब आइसलैंडिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पाइलॉन इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन में पेश किया गया तो सभी लोगों को इतना पसंद आया कि इसे रिकॉग्निशन अवार्ड मिल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बोस्टन सोसाइटी ऑफ आर्किटेक्ट्स में इसे अनबिल्ट डिजाइन अवार्ड भी मिला। नंबर 3, गाड़ी से लिया बदला। अब यारो, कैसा जमाना आ गया है, बदले की आग इंसान से नहीं कार से ली जा रही है। ये भाई इस वैन से अपना बरसों पुराना 36 का आंकड़ा निकाल रहे हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि ये गाड़ी इसने अभी अभी चंद मिनटों पहले ही ईबे से $1,500 में खरीदी है। और ये भाई और कोई नहीं बल्कि फेमस राइटर सेलिब्रिटी स्टीफन किंग है। अब कोई भी इस वैन का कचुम्बड़ बनने से नहीं रोक सकता। जानना चाहते हो व्हाई? वेल फ्रेंड्स, लगभग 20 साल पहले सन 1999 में इस महाशय का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, और इन्हें ठोकने वाला और कोई नहीं बल्कि यही वैन था, जिसकी वजह से स्टीफन बेचारे अपने टूटे टांग के साथ अधमरी हालत में अस्पताल में पड़ गए, वो भी महीने भर के लिए। बेचारे भाई साहब को 10 दिन में 5 ऑपरेशन भी कराने पड़ गए, और तो और पैर में मेटल डिवाइस भी लगाना पड़ गया। लेकिन फिर उन्होंने अपना बदला द रिवेंज लेने के लिए उसी वैन का एक पेटी पैक शोरूम पीस खरीदा और फिर उसे चकनाचूर कर दिया अपने अंदर का सारा गुस्सा और दर्द निकालकर। भाई, वैन से बदला ले रहे थे या खुद से? अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके पास जरूर सेविंग्स होंगे, और अगर आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो तो आपको सेविंग्स पर हाईएस्ट रिटर्न भी चाहिए होगा, और इसीलिए यहीं पर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बिल्कुल ही लीगल है। अभी इंडिया में काफी सारे लोगों ने इसका पोटेंशियल जाना है और 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। और क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको एक सेफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जो बिल्कुल ही आपकी आंखों के सामने है, CoinDCX Go। CoinDCX Go इजी और सिक्योर ऐप है, और इसका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं है, और इसमें फंड सेफ्टी बिटगो ने दी है, और ये ISO सर्टिफाइड
वेबसाइट भी है और यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना है तो आप DCX लर्न को यूज कर सकते हो और कॉइन DCX गो में आप मिनिमम 100 rupees डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के लिए एड मनी के ऑप्शन पर जाके अपने अमाउंट लिख के पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो और वो बिल्कुल ही सिंपल और सिक्योर होगा और इस ऐप में आप बिल्कुल ही लो रिस्क पे होगे। अब इवन 10 rupees के बिटकॉइंस खरीद सकते हो यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, उस पर क्लिक करो और डाउनलोड करो इंडिया का लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। नंबर 4, साइक्लोन आ गया, वो भी जानवरों का। अब यारो, ये जो गोल गोल साइक्लोन की तरह घूम के खतरनाक भगदड़ मचाए जा रहे हैं ना, ये कोई चीटी वीटी या कीचड़ नहीं है, ये है बारहसिंगा हिरन। वेल, आपको बता दूं, ये बारहसिंगा हिरन इतने शाने और समझदार होते हैं ना कि जब भी इनके आसपास कोई शिकारी इन पर हमला करने के लिए तैनात रहता है तो इन्हें फटाक से भनक पड़ जाती है। जैसे आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि कैसे ये हिरन उस शिकारी को ध्यान से देख रहा था जो उस पर हमला करने ही वाला था। फिर तभी ये हिरन अपने एक सिग्नल से, एक आवाज से फटाफट अपने झुंड को इकट्ठा कर लेती है और फिर ये सब मिलकर बिजली की तेजी की तरह गोल 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 घूमने लगते हैं, जो कि किसी एनिमल साइक्लोन की तरह दिखता है। एंड सच कहूं तो यही इनके टैक्टिक्स होते हैं शिकारी को कंफ्यूज करने की, ताकि वो इतनी भागदड़ में इनका बाल भी बाका नहीं कर सके और कंफ्यूज होके वहां से निकल जाए। और अगर कोई शिकारी इनके आसपास जाने की हिम्मत भी करे तो ऑब्वियसली उसका कछुंबड़ी बन जाएगा। नंबर 5, स्वर्ग का रास्ता। अब फ्रेंड्स, क्या आप इस बात पर यकीन करोगे कि दुनिया में एक ऐसा हाईवे भी है जो सीधा हेवन का रास्ता दिखाता है? बिल्कुल, इस हाईवे का नाम है इंटरस्टेट 80 और ये US के व्योमिंग सिटी में है। और देखो, इस हाईवे का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है जैसे मानो सीधा आसमान से ही जुड़ा हो। रब, इससे पहले कि आप मन में भी स्वर्ग के ख्याली पुलाव बनाओ और अपने आसपास अप्सराओं के नागिन नृत्य को एंजॉय करने जाओ, मैं उसमें थोड़ा रायता फैला देता हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों का धोखा है। दरअसल इंटरस्टेट 80 हाईवे माउंटेन्स पर बना हुआ है, तो जो भी ड्राइव करके माउंटेन्स की ऊंचाई तक पहुंचता है वहां पर विंटर के सीजन में फॉग जमा होता है और इसीलिए पूरा रास्ता एकदम स्वर्ग जैसा क्लाउडी क्लाउडी दिखता है। और बस यही वजह है ये इतना यूनिक दिखाई दे रहा है। नंबर 6, कचरे की पवन चक्की। अब फ्रेंड्स, अब यकीन नहीं करोगे कि एक 14 साल के बच्चे ने कूड़े कचरे को इकट्ठा कर करके अपने गांव में एक 39 फीट ऊंचा पवन चक्की का ही निर्माण कर डाला। भाई, इस उम्र में तो हम कंचे खेला करते थे और इस बच्चे ने तो इन्वेंशन ही कर डाला। विलियम कामाक्वाम्बा, ये मालावी देश का होशियार बच्चा है जिसके पास स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे और इसीलिए उसे स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया, पर फिर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने एक लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली जहां उसकी नजर एक टेक्स्ट बुक में बनाई पवन चक्की की फोटो पर पड़ी और इसी फोटो से उसके दिमाग में पवन चक्की बनाने का आइडिया आया, जिसके लिए उसने जमा किए कुछ पुराने बुक्स, पाइप्स, टूटे कार, साइकिल के टुकड़े और ब्लू गम ट्रीज और मिला जुला कर बना डाला पवन चक्की, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटों में। और फिर इस आइंस्टाइन की औलाद ने इस पवन चक्की का इस्तेमाल करके अपने गाँव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया। पर नहीं नहीं, इतना काफी नहीं था विलियम के लिए। सन 2001 में उसने बनाई 2 और पवन चक्की और सोलर वाला वाटर पंप सिर्फ और सिर्फ अपने गाँव की पानी और की समस्या को दूर करने के लिए। और इसके चलते 2001 में विलियम को मिला भरपूर फेम जब इनकी कहानी लिखी गई द डेली टाइम्स न्यूज़पेपर में। इंस्पिरेशनल स्टोरी, राइट? नंबर 7, बिजली का झटका। गौर से देखो फ्रेंड्स, इस कड़कड़ाती बिजली को ये इस प्लेन की वाट लगाएगा या बेड़ा पार लगाएगा? वेल, ये बोइंग 777 प्लेन सन 2014 में सनसनाते हुए फ्रैंकफर्ट से लेप्ज़िग तक उड़ रही थी। तब इंद्रधनुष की बिजली प्लेन पर गड़गड़ाई और उसी वक्त जर्मनी के फोटोग्राफर ने बिल्कुल उसी सेकंड यही पिक्चर एकदम परफेक्ट टाइम पर खींची। भाई, इतनी कड़कड़ाती बिजली को देखकर अब तो प्लेन की वाट लगनी ही है ऐसा लग रहा है, पर नहीं, प्लेन उसके बाद बच के निकल गई, वो भी बड़े आसानी से। ओवेल, इसका रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा, प्लेन बनने से पहले ही इसके मेटल स्किन की टेस्ट की जाती है ताकि बिजली के झटके से भी प्लेन को घंटा कुछ फर्क ना पड़े। और हाँ, ये रेनबो लाइटनिंग साल में सिर्फ एक ही बार होता है, तब आधा आसमान रंगीन हो जाता है और आधा पहले जैसा ही रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना एकदम स्ट्राइकिंग बिजली के झटके वाली तस्वीर। नंबर 8, वीरान संसार। अब फ्रेंड्स, सोचो अगर धरती पर से हजारों सालों के लिए इंसानों का नामो निशान ही मिट जाए तो इसका हुलिया कैसे दिखेगा? सोचो, नहीं सोच सकते ना? तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखो। वेल, यही हाल होगा पूरे धरती का जब ये वीरान हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी और सिर्फ पेड़ पौधे और पानी ही पानी हर जगह दिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टिकाल नाम का ये जगह दिखाता है। ये जगह 2000 साल पहले एक गांव हुआ करता था, पर अब ये बिना इंसान के एकदम वीरान पड़ा है और ग्वाटेमाला के घने जंगल के बीचों
बीच खड़ा हुआ है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2000 साल पहले के सभी टेम्पल्स और लोगों के घर आज पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, भले ही ये वीरान इलाका है, यहाँ कोई नहीं रहता, पर टूरिस्ट उनको कौन रोक सकता है। उनका यहाँ पर आकर सेल्फी खींचना और घूमते फिरते रहना तो लगा रहता है। और अगर एलन वाइसमैन नाम के ये रिसर्चर और ऑथर की माने तो जब धरती पर एक भी इंसान नहीं होगा तो धरती फट जाएगी, पानी के पंप टूट जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी और धीरे धीरे सभी के घर, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस पेड़ पौधों से ही भर जाएंगे, क्योंकि इन सारी चीजों को इंसान ही ऑपरेट और यूज करते हैं। और अगर हम इंसान ही ना रहे तो ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। नंबर 9, दिल पर लगी चोट। अरे ये क्या हुआ, इस पक्षी के छाती से तो लहू बह रहा है लेकिन फिर भी ये मस्त इधर उधर फुदक रहा है, आखिर माजरा क्या है बॉस? वेल फ्रेंड्स, ये पक्षी जिसकी छाती पर गोली के निशान है ना, वो कोई घायल वायल नहीं है। ये ब्रेस्ट पर जो रेड कलर वाला निशान है, ये इन्हीं स्पीशीज की पहचान है, इनका नेचुरल लुक है। मिलिए लुजॉन ब्लीडिंग हार्ट से, जो आपको कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लुजॉन के आइलैंड पर ही मिलेंगे। और हाँ, अगर ये रेड स्पॉट डार्क है मतलब वो मेल है, और लाइट है तो इसका मतलब वो फीमेल है, बाकी सब सेम ही दिखते हैं। फाइनल पॉइंट, मनी इन 1 मिनट। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है एक 16,600 करोड़ यूएसडी एसेट का मालिक द मार्समैन इलॉन मस्क 1 मिनट में कितना पैसा कमा लेता होगा? वेल, जरा सोचो ना एक बार, एटलीस्ट। नहीं हो पा रहा कैलकुलेशन? वेल, कोई नहीं, मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके, बाय द हेल्प ऑफ गीगा कैलकुलेटर, जिससे हुए कैलकुलेशन के बाद कुछ और रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि एक एवरेज ऑस्ट्रेलियन की 6 महीने की कमाई इज इक्वल टू इलॉन मस्क की 5 मिनट की कमाई, व्हिच इज अराउंड $21,000, यानी 15 लाख रुपए इन जस्ट 5 मिनट्स। भाई, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा? और इस हिसाब से देखा जाए तो इलॉन भाई बस 1 मिनट में अराउंड $4,206 कमा लेते हैं, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए। वेल, अपने यहाँ पर ये किसी एवरेज इंसान की 1 साल की सैलरी होगी जो ये भाई बस सिर्फ 1 मिनट में कमा लेते हैं। अनबिलीवेबल। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अब आप पहले से स्मार्ट जो हो गए हो, तो क्यों ना मैं पूछ लूं तुम्हें एक सवाल, कौन सी चीज जिसे पीना नुकसानदेह है पर फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं? इंटरेस्टिंग, राइट? इसका जवाब तुम नीचे दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास है तो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।